हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर GSTR 1 GST रिटर्न आपने फिल नहीं किया तो उस पर लेट फी क्या होगी, इसकी पेनल्टी कितनी लग सकती है आपको, उसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन, नई नई अपडेट्स आपको मिल सके। तो यहाँ पर CGST रूल नंबर 47 सबसेक्शन 1, इसके बारे में GST रिटर्न के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज फेल टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड और इनवॉइस सप्लाइज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37 और सेक्शन 38 और रिटर्न्स रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 44 बाय द ड्यू डेट शैल पे अ लेट फी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे। सेक्शन 37, सेक्शन 38 और 39 और 45, इसके बारे में GST रिटर्न के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि ड्यू डेट सेल पे अ लेट फी, अगर आपने ड्यू डेट के अंदर GST रिटर्न नहीं भरा तो आपको पेनल्टी लग सकती है 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे। रोज़ की आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ सकता है। ड्यूरिंग विच सच ए फेलर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट फॉर 5000 रुपीज़। इसकी मैक्सिमम अमाउंट भी गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर नोटिस कर दी गई है। तो इसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है 5000 रुपीज़, 5000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट है लेट फी। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर बताई गई है, लेट फी जो है 5000 रुपीज़ है और पर डे जो 100 रुपीज़ यहाँ पर एवरी डे की जो 100 रुपीज़ है वो आपको यहाँ पर लग सकती है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है GST एनुअल रिटर्न की लेट फी के बारे में, सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 यहाँ पर बताया गया है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज फेलर टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44, अंडर सेक्शन 44 किसके रिगार्डिंग है, तो ये एनुअल रिटर्न के बारे में बताया गया है। द ड्यू डेट शैल बी लीबल टू पे लेट फी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड द क्वार्टर परसेंट। यहाँ पर भी हमें बताया गया है कि अगर आपने एनुअल रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फिल आउट नहीं किया तो आपको लेट फी लग सकती है 100 रुपीज़ एवरी डे आपको 100 रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है। अगर मैं यहाँ पर भी मैक्सिमम अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट ने बता दी गई है, क्वार्टर परसेंट, कैलकुलेट आउट अ क्वार्टर परसेंट, मतलब क्वार्टर परसेंट मतलब 1/4, 1/4 भाग। एक साल में अगर आपका टर्नओवर है 2 लाख का टर्नओवर है तो उसका 1/4 भाग आपको पेनल्टी लेट फी के चुकानी पड़ सकती है। लेट फी 2 लाख का 1/4 भाग आपको लेट फी चुकानी पड़ सकती है। टर्नओवर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी, जितना भी आपका टर्नओवर है स्टेट के अंदर, आपका जितना टर्नओवर है उसका उस पर 1/4% GST लेट फी आपको पे करनी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की कि GST रिटर्न आपने पे नहीं किया तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी, GST एनुअल रिटर्न आपने पे नहीं किया तो उस पर कितनी पेनल्टी लग सकती है। तो आज का इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था GST रिटर्न और एनुअल रिटर्न जिसने पे नहीं किया उनके लिए। तो अगर आपने वीडियो को अच्छा लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि GST की नई अपडेट्स आपको मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।